उधर झज्जर की जटिया धर्मशाला में सर्वखा पंचायत हरियाणा की प्रदेश स्तरीय संयुक्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम खापों के प्रतिनिधि और किसान नेता पहुंचे थे। बैठक में ईवीएम मशीन का विरोध करते हुए सरकार से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की गई। झज्जर शहर की जटिया धर्मशाला में पूर्व खाप पंचायत हरियाणा की प्रदेश स्तरीय संयुक्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम खापों के प्रतिनिधि और किसान नेता पहुंचे थे। बामसेव यानी अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित इस बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए। बैठक में पहुँचने वाले सभी का जनप्रतिनिधियों और किसान नेताओं का बामसेव इकाई झज्जर की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। किसान नेता गुरराम सिंह चुढ़ूनी ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए बैठक बुलाई गई थी और बैठक में ईवीएम का विरोध किया गया है। सरकार ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव कराए। अगर बीजेपी बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कराना चाहती तो उसका कारण बताए। आज सभी दल चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। उसमें मैंने खुद प्रैक्टिकल ये किया है कि मैंने दो बार उस मशीन में हाथी वाला बटन दबाया और जो सामने फोटो आई वो भी हाथी की आई, लेकिन जब बल्ब बुझने लाइट बुझने के बाद पर्ची निकली, एक पर्ची पे हाथी की फोटो थी, एक पे कमल के फूल की फोटो थी। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैंने किया वहाँ पे, मैंने वीडियो में भी दिखाया था वो। तो एक तो ईवीएम का हम विरोध करते हैं, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, या फिर बीजेपी ये बता दे कि बैलेट पेपर से नुकसान क्या है। वही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आह्वान किया कि सभी को इकट्ठा होकर साथ मिलकर चलना होगा, जिससे किसान मजदूर और गरीब को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। और आपने पीछे देखा होगा, सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया और यह पूंजीपतियों की सरकार है। अब जब तक सब मिलकर देश की सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक किसान मजदूर और गरीब का भला नहीं होने वाला। चंद पूंजीपतियों की जेब में जा रहा और देश का खजाना भी उन्हीं के लिए। चंद पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ पिछले टाइम में माफ किया जा चुका है। तो देश को बचाने का और अपना पेट चलाने का, अपनी जिंदगी सुरक्षित करने का एक ही तरीका है कि जिसमें अगर सब हम मिलेंगे, ना किसान को सुसाइड करना पड़ेगा, ना मजदूर को सुसाइड करना पड़ेगा, ना बेरोजगार को सुसाइड करना पड़ेगा। इन मोटे तौर पर राज से, सत्ता से सब कुछ चलता है। सत्ता के कानून तब बदले जाएंगे जब ये सब इकट्ठे होके सत्ता पे कब्जा करें। अभी सत्ता पे जो कब्जा है वो पूंजीपतियों का है, तो हम सारे उसके लिए अपना तालमेल बनाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, किसान आंदोलन चल रहा है और हम उसमें भी सहयोग कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा किया जाए। झज्जर से योगेंद्र सैनी, टोटल न्यूज।